हाय फ्रेंड्स, मैं ऑसम माइंड सीरीज की इस वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में क्रिकेट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 19 सेंचुरी में क्रिकेट में अंडर एंड बॉल का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1862 में ओवर आर्म बॉलिंग को लेकर एक ब्रिटिश खिलाड़ी ने मैदान छोड़ दिया था और इसे नो बॉल देने के लिए प्रोटेस्ट करने लगा। इसके बाद बॉलरों के लिए ओवर एंड बॉलिंग का नया नियम बना। हालांकि इस नियम ने क्रिकेट के खेल को बदल दिया। अब बैट्समैन के लिए गेंद की मूवमेंट को जज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। उसके बाद क्रिकेट में कई तरह के बदलाव आए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता गया। आइए जानते हैं आज के समय में इस जेंटलमैन गेम में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ खास टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें पहला है स्नीकोमीटर। क्रिकेट स्टेडियम में ऑडियंस के शोर के बीच बैट और बॉल के हल्के एज को सुनना फील्ड एम्पायर के लिए कई बार मुश्किल भरा होता है, इसलिए आजकल थर्ड एम्पायर स्नीकोमीटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए यह जानना आसान हो जाता है कि बॉल का बैट से किसी हिस्से से संपर्क हुआ था या नहीं। इस टेक्नोलॉजी में अलग अलग साउंड वेव के जरिए यह पता लगाया जाता है कि बॉल बैट से लगी थी या फिर पैड से या फिर और कहीं। दूसरा है हॉट स्पॉट। जब लगा कि स्नीकोमीटर बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, तब क्रिकेट में हॉट स्पॉट का इस्तेमाल शुरू हुआ। यह इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है। इससे यह पता लगाना आसान हो जाता है कि बॉल खिलाड़ी के पास पहुंचने से पहले कहां कहां लगी थी। यह बॉल के बैट, पैड, ग्लव्स या फिर किसी अन्य जगह पर लगने के बाद उत्पन्न हीट फ्रिक्शन को मेजर करता है और इससे सॉफ्टवेयर नेगेटिव इमेज जनरेट करता है। तीसरा है हॉकाई। हॉकाई का इस्तेमाल क्रिकेट के अलावा टेनिस और फुटबॉल में भी होता है। हॉकाई 5 मिलीमीटर की सीमा के भीतर भी सही आकलन कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी बॉल की स्पीड को उसी प्रकार मेजर करती है जैसे वह फेंकी जाती है। इस तकनीक में 6 कैमरों के जरिए आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं जो फील्ड में अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। कैमरे बॉल को अलग अलग एंगल से ट्रैक करते हैं। सभी 6 कैमरों के वीडियो को मिलाकर यह 3D इमेज क्रिएट करता है जिससे बॉल के सही इम्पैक्ट और स्पीड का पता चलता है। चौथा है जिंक विकेट सिस्टम। इसमें स्टंप के ऊपर बेल्स में LED लाइट्स लगी होती हैं। जैसे ही बॉल विकेट से लगती है, LED लाइट फ्लैश करने लगती हैं। इस तकनीक से रन आउट या फिर स्टंप आउट की स्थिति में एम्पायर के लिए निर्णय लेना बहुत ही आसान हो जाता है। स्टंप में माइक्रो प्रोसेसर और लो वोल्टेज बैटरी लगी होती है। साथ ही इसमें इनबिल्ट सेंसर भी होता है जो बॉल के विकेट पर लगते ही तेजी से 1/1000 सेकंड डिटेक्ट कर लेता है। पांचवी है स्पीड गन। स्पीड गन के जरिए गेंद की स्पीड को मापा जाता है। यह डॉपलर इफेक्ट पर काम करती है। इसमें एक रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा होता है। इसे साइड स्क्रीन के पास एक ऊंचे खंभे पर लगाया जाता है जहां से स्पीड गन की पिच की दिशा में एक माइक्रोवेव भेजता है। स्पीड गन के जरिए प्राप्त सूचना को इमेजिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाता है जो पिच पर अन्य वस्तुओं के बीच गेंद की गति को बताता है। क्रिकेट में इसका सबसे पहले प्रयोग 1999 में हुआ था। छठवां है स्टंप कैमरा। यह कैमरा स्टंप के अंदर लगाया जाता है और जब प्लेयर बोल्ड हो जाता है तो एक्शन रिप्ले में दिखाने में यही काम आता है। आखिरी स्पाइडर कैम। स्पाइडर कैम कैमरा में केवलर केबल से टंगा होता है और उसमें मोटर लगी होती है। ब्रॉडकास्टर कंपनी के हिसाब से कैमरे को जूम, फोकस या टिल्ट किया जाता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल 2010 में IPL के दौरान किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।